मॉर्निंग पीप्स, सो इफ यू गाइस हैव वॉच्ड द लास्ट व्लॉग, आप लोगों को पता होगा हम लोग की गाड़ी खराब हो गई थी और हम लोग मसूरी से वापस आ रहे थे। हाँ, और हम लोग को अपनी राम प्यारी को धक्का मारना पड़ा था तो आज राम प्यारी की मरम्मत कराने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो धक्का मारने के लिए हमने क्या किया था, बेसिकली जो हमारा क्लच जो था ना, तो क्लच हमारा दबा रहे थे तो वो अंदर ही दब जा रहा था और हमारे गियर्स उसमें नहीं पड़ रहे थे। तो इश्यू क्या था, फिर हमने दो तीन लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि गाड़ी बंद करके तुम इसको धक्का मारो और गियर में डाल के, और फिर क्लच छोड़ोगे तो झटका लगेगा, तो क्लच अगर कुछ चिपका होगा दबा होगा तो वो खुल जाएगा। तो हमने ये ट्राई किया क्योंकि हम स्लाइड पे थे तो नीचे को धक्का हिमांशु ने भाई मार लिया इजीली, पूरा फेफड़े बाहर आ गए इसके। इट वाज नथिंग। तो और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा क्लच सही हो गया, बट फिर थोड़ी देर चलाने के बाद 100 किलोमीटर चलाया फिर भी कहते हैं क्लच में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि भाई एजेंसी पे आ ही जाते हैं, क्यों रिस्क लेना है ना। तो अभी आते हैं, अभी पहुंचते हैं हुंडई पे और बताते हैं आपको क्या रहता है, क्या इशू। अरे बट ब्लॉग पे तो बता सकते हैं ना क्यों खराब हुई थी गाड़ी। हाँ खराब क्या हुई थी, मतलब जैसे मतलब इशू जो था वो बेसिकली क्या था कि हमने झरने में गाड़ी को भिगा दिया था, पूरा धो दिया था और इंजन स्टार्ट तो लग रहा है कि इंजन में क्लच प्लेट होती है और क्लच प्लेट में पानी चला गया था, तो उस वजह से शायद से क्लच प्लेट गीली हो गई थी और चिपक गई होगी, ये हम लोगों को लग रहा है। लेकिन आज दिखाएंगे तो देखते हैं कि क्या बताते हैं, उनको ये नहीं बताने वाले हैं कि झरने में हमने गाड़ी भिगाई थी, ये तो वारंटी का कुछ सीन हो जाएगा। तो बताते हैं हुंडई आ गया है कुमार। आ गया। हाँ ये हुंडई आ गया है अपना, अभी हम अपना यू टर्न लेके आते हैं और फिर बताते हैं। अंदर बैठ गया, फिर उसके बाद अंदर बैठ गया तो कुछ हो ही नहीं रहा काम, फिर उसके बाद हमने गाड़ी कर दी खड़ी, फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी करने के बाद हमें इसको दानिश को फ़ोन किया, दानिश का फ़ोन लगा नहीं, तो फिर क्या हुआ कि एक हमने एक से पता करी तो उन्होंने बोला कि न्यूट्रल जब गाड़ी बंद थी ना तब गियर पड़ रहा था अपना, गाड़ी बंद पे गियर पड़ रहा था तो बंद पे डाला, धक्का लगवाया और फिर क्लच जितना भी दब रहा था छोड़ा तो झटके लगे ना गाड़ी में दो तीन, तो उसके बाद क्लच फिर लगना शुरू हुआ, फिर 100 किलोमीटर कहते वो क्लच नहीं ले रही थी, लेकिन आते आते जब हम मुरादाबाद आए तब तक फिर क्लच फिर से सही हो गया था, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा अलग लग रहा है सर, ये सिलेंडर अंदर पता करना पड़ेगा, अंदर सिलेंडर हो क्लच का सिलेंडर। हाँ तो गाड़ी तो वारंटी में ही है, चेक करो। इट्स अप टू यू भैया, आपका नाम क्या है? सिराजुल। सिराजुल, सो आई थिंक दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर कार। राम प्यारी का मैके का टाइम आ गया है, मैके में इनकी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा मोहम्मद नाजिब। नाजिब भैया, नाजिब भाई बहुत बढ़िया है, अंदर भी नहीं लेगा। क्या इशू क्या आया है कि इशू जो आया है कि वो मास्टर सिलेंडर होता है इसका, क्लच का मास्टर सिलेंडर होता है ना, दो सिलेंडर होते हैं वो बता रहे हैं। मास्टर होता है, एक रिलीज होता है, एक मास्टर रिलीज। हाँ, एक गियर बॉक्स पे लगा होता है नीचे, ठीक है, एक गियर आपका मास्टर सिलेंडर ये लग रहा है, ठीक है। दोनों के काम क्या क्या होते हैं? ये काम ही होते हैं जैसे कि हमने वो दबाया पेडल दबाने के बाद ये वाला काम करता है, फिर ये सब सिग्नल देता है कि पेडल दबा चुके हैं, अंदर का जो बैरिंग है वो बैरिंग पीछे को भाग जाता है, क्या आप गियर डाल सकते हो, ये काम होता है, फिर गियर डालने का और सब दबा के गियर निकालने, उसके बाद आपको पेडल ऐसा छोड़ना फ्री, फिर उसको कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसमें जो दिक्कत आई है आपकी, दिक्कत आई है जैसे कि आपने पेडल दबाया वो वहीं पर रुक गया, पहले वो बंद नहीं आ रही है, ये रिलीज सिलेंडर खराब हो चुका है, जो इसका प्रेशर है हल्का हो चुका है, तो ये चेंज हो, ये चेंज दिखा दे भाई, ये वाला चेंज हो, ये है ना, ये चेंज होता है। चलो अब चेंज करो, अब क्या करना है? हाँ वो लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं तो हम रोक देते हैं, जिसने हमारी सर्विस करी थी पिछली बार, तो गाड़ी तो सही चल रही है, लेकिन बस यही क्लच किसी का मास्टर सिलेंडर का काम खराब हो गया थोड़ा, वो तो हो जाएगा, वो तो चलो वेट करो 10 मिनट में, लेकिन हमारी गाड़ी को प्रायोरिटी मिली है, पिछला ब्लॉग बनाया तो हम थोड़े फेमस हो गए यहाँ पे, वीडियो देखे भी नहीं है तो हमारे फेमस ये लोग हुए ना पता भी नहीं है। चलो ठीक है, बाकी अभी आता है पार्ट तो जलवाते हैं फिर बताते हैं क्या चल रहा है। किसने कहा है? ये 1179 का 1100 रुपए का, ये ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, 1100 रुपए का है, 1100 रुपए की लेबर हो। अच्छा लेबर भी ले लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं भाई, आप पार्ट कुछ भी डलवाओ लेबर लेगी, अभी हमारा फ्री हो जाएगा, वारंटी में तो ये एक्चुअल पार्ट ये है मास्टर सिलेंडर, और ये
इसके 1100-1200 रुपये का है और अभी तो हमारा फ्री में चल रहा है, लेबर वेबर चार्ज कुछ नहीं है क्योंकि गाड़ी वारंटी में है। तो और किया उनमें बाकी किया जो सारा स्पेयर पार्ट आता है ना हुंडई की कंपनी का, तो उनकी जो स्पेयर पार्ट वाली कंपनी थी वो किया थी। नाउ व्हाट दे डिड, इन्होंने एक अपनी गाड़ी की एक और कंपनी बना दी किया नाम से। तो अब ये कहते हैं मतलब मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्ट्रेटजी दी है कि जिसको क्रेटा नहीं लेनी वो सेल्टोस में चला जाएगा। पूरे इंजन की एक कंट्रोल करता है, सारी वायरिंग जो आ रही है सब इसी में से आती है। अच्छा, तो इसमें अगर पानी आ गया तो ये चीज खराब हो जाएगी। तो अगर पानी ऊपर से ऐसे साइडों से निकल के आ गया तो साइडों से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा डूबेगा तो दिक्कत आती है। तो थोड़ा बहुत पानी आ जाए इसमें तो थोड़ा बहुत आया तो कोई दिक्कत नहीं आती ना, अंदर तक नहीं जाता, अंदर तक चले आएगा। अच्छा, तो मान लो मैं किसी झरने के नीचे ले गया ऐसे गाड़ी को, और झरने के नीचे नीचे तो कोई पानी है नहीं, ऊपर से पानी गिर रहा था, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है टपा टप ऊपर से। हाँ, बोनेट बंद है, बोनेट बंद है और गाड़ी चालू है, गाड़ी चालू है, कोई परेशानी नहीं होती। हमको ये लग रहा था कि हमने झरने में फंसाई उस वजह से, क्या था ये हमारी गाड़ी में इशू आया, बट ये लोग बता रहे हैं कि उस सब चीज़ों से कोई इशू आते नहीं है, तो मे बी ये होना ही था। अभी तो वैसे गाड़ी सही चल रही थी, कोई इशू नहीं था, बिंदास चल रही है, बट हम लेके आए, हमने इनको इशू बताया कि भाई हमें ये इशू आया, no question asked, they just changed the part. That was good. No questions asked. So, ये काम शर्मा एंड सनी एंड नेजी भाई। How's the car? रामपैरी कैसी है अपनी? टेस्ट ड्राइव डन हो गई है और निज भाई ने अपने नाजिम भाई ने टेस्ट कर लिए, कोई परेशानी नहीं है। 100/100 बढ़िया सब चल रही है गाड़ी, अपने घर चलते हैं, मजे करते हैं, बाय बाय। Thank you to the store and everything else.